आज हम बात करते हैं GSS के लोगों से, जो जिन्होंने एक बड़ा आंदोलन अपनी आइडेंटिटी के लिए ये लड़ रहे हैं। और दूसरा, ये नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन है, तो आप बताइए, आप यहाँ तक आने के बाद कैसा महसूस करते हैं? मैं यहाँ तक आने के बाद बहुत बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, और मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है कि हमारा जो अपना कल्चरल जो अपना फेस्टिवल है, उस चीज़ को यहाँ पे हमने अपनी प्रस्तुति दी। उस प्रस्तुति को देखकर आज बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही गर्व फील कर रहे हैं हम। मैं एक ही चीज़ जल्द बोलना चाहूँगा कि जो गोरखा का आज जो हमने अपना जो अपना कल्चरल अपना हमने वो प्रेजेंटेशन जो दिया है, वो उस बहुत ही मतलब सराहनीय है हमारे लिए और बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू एवरीवन। और अब मैं बात करूँगा अंजलि जी से। अंजलि जी, आप बताइए कि ये जो पूरा जो फेस्टिवल में, और आपका हमेशा ये उद्देश्य रहा है कि गोरखा, चाहे वो बुक फेयर हो या कहीं पे भी हो, आप आइडेंटिटी के लिए जो फाइट कर रहे हैं, गोरखालैंड इशू अलग है, आइडेंटिटी की बात अलग है, आप बताइए कि ये जो आइडेंटिटी का और दूसरा 2000 इलेक्शन के लिए क्या मैसेज है आपका? देखिए, हमारी जो गोरखा कम्युनिटी है, हम गोरखा कम्युनिटी ऐसे स्प्रेड आउट है, जैसे हम हिमाचल प्रदेश से लेके अगर आप उत्तराखंड में देखोगे, लखनऊ में देखोगे, दार्जिलिंग या प्रपोज गोरखालैंड एरिया जो है उसमें अगर आप देखोगे, नॉर्थ ईस्ट के हर एक स्टेट में हम गोरखा हर जगह पे हैं। तो हम जो स्प्रेड आउट अभी हैं, इसलिए हमको टुकड़ों में देखा जाता है, लेकिन हम समूह में जब आते हैं ना, तब हम बहुत ही बड़ी ताकत हैं, और हम ऐसी ताकत हैं जो भारतवर्ष को बहुत आगे तक लेके जाना चाहते हैं। और हम यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी के लिए इसलिए आए हैं क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास हो, और ये तभी हो सकता है जब गोरखा की आइडेंटिटी भी सबके साथ बढ़े। तो हम यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में आज नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में इसलिए भी आए हैं क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एक ऐसी हिस्सा है इंडिया का, जहाँ से एक तरह से बोला जाए ना तो रक्तचाप जो होता है ना, जो जोश आता है इंडिया में, वो नॉर्थ ईस्ट से आता है। जो एक कल्चरल डाइवर्सिटी है वो भी नॉर्थ ईस्ट से ऐड होता है। तो हम गोरखा जहाँ पे है, जो हमारी स्पोर्ट्स और गोरखा की कल्चर और आइडेंटिटी जो है वो बहुत ही डाइवर्स है। हम बहुत ही अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, हमारे यहाँ पे बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, और आर्मी में तो डेफिनेटली हम लोग हैं। कल्चर अगर आप देखोगे तो गोरखाज के जन्म से लेके मृत्यु तक का डांस और सॉन्ग्स होता है, और इतने वेरिड जो हमारा कल्चर है, हम चाहते हैं कि वो कल्चर जो इंटीग्रेशन है वो प्रेजेंटेशन हो, और हमारी जो कल्चर की रिकॉग्निशन है वो रिकॉग्निशन हो। हम चाहते हैं कि जितने भी म्यूजिकल फेस्टिवल्स है, हमारे जितने भी नेशनल लेवल फोरम्स है, उसमें हमारी आइडेंटिटी उभर के आए, क्योंकि सबको पता चलना चाहिए कि हमारी भारतवर्ष कितना रिच है, और गोरखा उस भारतवर्ष के रिचनेस का जो चेरी ऑन द टॉप बोलते हैं ना, वो है हम। तो एक गैप है पॉलिटिकल, सारी चीज़ों में आप है, पॉलिटिक्स में थोड़ा कहीं वीकनेस है, उसके बारे में बताइए, क्योंकि सारी चीज़ें होने के बाद अगर आप पावर में नहीं है, उसके लिए क्या कर रही है? देखिए, बहुत बार हमको ना ये बोला जाता है कि गोरखाओं में पॉलिटिकली हमारे में स्ट्रेंथ नहीं है या नहीं दिखते हैं, लेकिन सच तो ये है, जब ग्रेटर आसाम हुआ करता था, जब नॉर्थ ईस्ट टुकड़ों में बटा नहीं था, तो ग्रेटर आसाम को समेटने वाले भी एक गोरखा थे, छबीलाल उपाध्याय जो थे, वो आसाम प्रदेश के, जब वो ग्रेटर आसाम होता था, कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। तो हमारे डंबर सिंह गुरुंग और अरिबहादुर गुरुंग तब के टाइम में 1947 के टाइम में बैरिस्टर्स थे, जिन्होंने आज का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रचा है, उनका सिग्नेचर भी उसमें है। तो ये नहीं है कि गोरखाओं का पॉलिटिकल ज्ञान नहीं है या पॉलिटिकल प्रेजेंस नहीं है, सिर्फ ये है कि जितना भी हमारा प्रेजेंस है वो गोरखा प्रेजेंस अभी तक रिप्रेजेंट नहीं हुआ है, जो कि हम 2019 में कोशिश करेंगे कि पूरे भारतवर्ष में हम जहाँ भी गोरखाज हैं, हम एकत्रित होकर एक मत में आके वोटिंग करें। वोटिंग भी इसलिए नहीं क्योंकि हमको हमारी कम्युनिटी के लिए करना है, हम वोटिंग इसलिए करेंगे क्योंकि हमको भारतवर्ष से प्यार है, इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए जो भी सही व्यक्ति या सही इंसान होगा उसको आगे लाने के लिए गोरखा आगे बढ़ा है, और इस 19 में भी हम यही प्रयास करेंगे। बहुत 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 शुक्रिया। और हरी बहादुर गुरुंग जी, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा जा रहा था उस कमेटी में वो भी थे, ये एक बड़ा योगदान है, और ख़ास तौर से लेडीज़ में हेलेन लेप्चा थी वहाँ पे, और बहुत से योद्धा हुए हैं, और जिन्होंने देश के लिए किया है, और जो जनगण मन अधिनायक जया है की जो धुन बनाई है, ये भी गोरखाज है, और गोरखाओं का एक बड़ा प्राचीन इतिहास है, और जिसके लिए आपको आज सारे गोरखाओं को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। जय गोरखा, जय गोरखा।